दोस्तों, एक बार की बात है, एक संत एक सभा में कथा कह रहे थे। संत की कथा में एक बालिका बीच में ही उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर आक्रोश झलक रहा था। संत ने पूछा, बोलो बेटी, क्या बात है? बालिका ने कहा, महाराज, हमारे समाज में लड़कों को हर प्रकार की आज़ादी है। वह कुछ भी करे, कहीं भी जाए, उस पर कोई खास टोका टाकी नहीं होती। इसके विपरीत लड़कियों को बात बात पर टोका जाता है। यह मत करो, यहाँ मत जाओ, जल्दी आ जाओ, आदि आदि। संत मुस्कुराए और बालिका के बात का बहुत ही सुंदर जवाब दिया। बोले, बेटी, तुमने कभी लोहे की दुकान के बाहर पड़े लोहे के गाटर देखे हैं? ये गाटर सर्दी, गर्मी, बरसात आदि में रात दिन इसी प्रकार पड़े रहते हैं। इसके बावजूद भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता और इनकी कीमत में भी कोई अंतर नहीं आता। लड़कों के लिए कुछ इसी प्रकार की सोच है हमारे समाज में। अब चलते हैं एक ज्वेलरी शॉप में। एक बड़ी तिजोरी, उसके अंदर एक छोटी तिजोरी और उसमें रखी छोटी सुंदर सी डिब्बी में रेशम पर नजाकत से चमचमाता रखा हुआ एक हीरा। क्योंकि जोहरी जानता है, अगर हीरे में जरा सी भी खरोंच आ गई तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। समाज में बेटियों की अहमियत कुछ इसी प्रकार की है। बेटी पूरे घर को रोशन करती झिलमिलाते हीरे की तरह, परंतु अगर जरा सी उसमें खरोंच आ जाए तो उसके और उसके परिवार के पास कुछ नहीं बचता। बेटा, यही अंतर है लड़कियों और लड़कों में। इतना सुनकर पूरी सभा में चुप्पी छा गई। उस बेटी के साथ पूरी सभा की आंखों में छाई नमी साफ साफ बता रही थी लोहे और हीरे में फर्क। प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस मैसेज को अपनी बेटी बहन को अवश्य भेजें, साथ ही अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को सभी ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।